नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। आज बात करेंगे तरल ऑक्सीजन की। तरल ऑक्सीजन वायु से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है, जो आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप होता है। इसके लिए वायु को तेजी से ठंडा करते हैं, जिसमें वह सबसे पहले ज़ीनॉन, फिर क्रिप्टॉन एवं ऑक्सीजन लिक्विड में परिवर्तित हो जाती हैं। वायु से गैसों को पृथक करने की इस तकनीक को क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। ऑक्सीजन को लिक्विड में बदलने के लिए इसे -183 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक दाब में पूरी की जाती है, ताकि गैसों का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। इस प्रक्रिया से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है और इसमें नमी, धूल या अन्य गैसों जैसी अशुद्धि नहीं होती। लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद इसकी आपूर्ति क्रायोजेनिक टैंकरों से की जाती है, जो अत्यधिक ठंडे होते हैं। इनमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में नहीं बदल पाती है। इससे कम स्थान में अत्यधिक ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सकता है। इस शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग मेडिकल ऑक्सीजन गैस के रूप में और उद्योगों, मुख्य तौर पर इस्पात और पेट्रोलियम में किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन कानूनी रूप से एक आवश्यक दवा है, जो देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसे स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तरों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए आवश्यक माना जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल है। आपको बताते चलें कि कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार आलोचनाओं के घेरे में है। उन्होंने समय रहते ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की थी और वे इस महामारी की क्षमता को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। केंद्र सरकार को पहले ही इस तरह की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया गया था और ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया था। संसद की एक अस्थायी समिति ने कोविड-19 वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से कुछ महीने पहले ही सरकार को सुझाव दिया था कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।